आगे भी पड़ती है सामने में, सामने डालती है आगे में क्रिस्टल वाटर है ना। नहीं नहीं अभी नहीं, पहले होटल जा रहा हूँ मैं। अभी अच्छा है ना, अभी पूरा कंप्लीट फोटो भी पूरा मिलेगा। नहीं नहीं गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेरापुंजी। दिस इज डे 3 ऑफ नॉर्थ ईस्ट राइड एंड अभी मैं चेरापुंजी बाजार में आया था एटीएम के लिए, लेकिन एटीएम बंद है, 10 बजे ही खुलेगा तो 10 बजे तक वेट करना पड़ेगा। अबे बाजार का हालत कुछ ऐसा है। और अभी थोड़ी देर में जाएंगे हम डैंथलिन्स फॉल, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर, और उसके बाद आरोहा केव जाएंगे और दो ही चीज़ कवर करके यहाँ से दौकी की तरफ जाएंगे। अभी टाइम 9 बजने वाला है, 8:55, और अपना बाइक पूरा पैक कर लिया सामान, और अभी निकलेंगे डैंथलिन फॉल्स की तरफ और वहाँ से आरोहा केव जाएंगे। और एक वाटरफॉल है यहाँ पर, नौकाली वाटरफॉल जो फेमस है चेरापुंजी का, वो मैंने कल ही कर लिया। अभी जाएंगे डैंथलिन। अभी आ गया अपना मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है 8 किलोमीटर, और मुझे जाना है ऊपर की तरफ। ये तो वन वे है तो ऊपर की तरफ ही जाना पड़ेगा। डैंथलिन फॉल्स की तरफ जाने का रास्ता थोड़ा ऑफ रोडिंग है, टाइप का रास्ता है इधर। अब यहाँ से 18 मिनट्स का रास्ता है और रास्ते में इस टाइप का व्यू है, बहुत बढ़िया लग रहा है इधर। छोटा वैली और बीच में जंगल भी है छोटा सा, ग्रीन ग्रीन। चलो अभी निकलते हैं। मजा आ गया भाई, अभी वाटरफॉल्स के सामने पहुंच गया मैं। उधर ही है वाटरफॉल्स, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लगता कि इधर ऐसा वाटरफॉल्स होगा, क्योंकि देखने से तो ये प्लेन्स लग रहा है, लेकिन इससे नीचे अंदर खाई है और इसी खाई के अंदर ये वाटरफॉल है। अभी आगे से दिखा देता हूं आपको। वाटरफॉल वहां है, उधर से नीचे की तरफ जा रहा है, और वाटर का ड्रेनेज सिस्टम कुछ इस तरह का है। पानी पूरा क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पर, देख सकते हैं। भूख लग गया भाई मुझे तो। यहाँ पर ऐसा है पानी, यही पानी इधर से होते हुए वाटरफॉल की तरफ जा रहा है। और गजब की बात यह है कि आज इस वाटरफॉल में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। वाटरफॉल भी देख लिया, अब जाएंगे आरोहा केव।
और उससे पहले रास्ते में और एक वाटरफॉल था उधर, बोट लगा था, देखते हैं उधर जा सकते हैं कि नहीं बाइक। अगर बाइक जा सकते हैं तो बाइक में ही जाएंगे। अभी पहुंच गया माउसावा फॉल्स, नेचुरल स्विमिंग पूल भी है इसके ऊपर। अभी देखते हैं वहां तक जाके क्या है। यहीं तक ही है रास्ता। अभी थोड़ा फील आया कि यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं, और यहाँ का 360 व्यू कुछ इस तरह का है। और लगता है यहाँ नीचे है स्विमिंग पूल कुछ, जो भी है अगर स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग भी करेंगे। मूड के ऊपर डिपेंड करता है। ठंड है यहाँ लेकिन बहुत, हवा भी चल रहा है। हाँ तो अभी निकलते हैं वाटरफॉल की तरफ और बाइक को अभी इधर ही रख देते हैं। अभी उधर जाने से कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि पानी ही नहीं है उधर, तो वाटरफॉल में वाटर ही नहीं है तो फिर जाने का कुछ फायदा नहीं, इसलिए लौट जाता हूँ ऊपर। अभी दिसंबर का महीना है और पानी पूरा सूख गया है, बहुत कम पानी है, वाटरफॉल में वाटर ही नहीं है तो नहीं जा रहा हूँ मैं उधर। अभी वापस जाएंगे, आरओ केव जाएंगे और यहाँ पे एक बार फिर समर में भी विजिट करेंगे। पूरा ग्रीन वैली भी देखना है मुझे। अभी तो पूरा ड्राई हो गया, ये ब्राउन दिख रहा है अभी तो, ये पूरा वैली। तो एक बार फिर से समर में विजिट करेंगे। निकलते हैं आरओ केव की तरफ। तो अभी निकल रहा हूँ इस जगह से और जा रहा हूँ आरोह केव की तरफ। आरोह केव के बाद डायरेक्ट डाउकी में जाएंगे। बाइक थोड़ा स्पीड में था और आरोह केव जो था वो पीछे छूट गया। अभी पीछे जाने से फिर बोरिंग लग रहा है, अभी मैं सीधा चौकी चला जाता हूँ और रास्ते में ही खाना खाएंगे। यहाँ पर लिखा तो है खाने का जगह लेकिन आगे जाके खाना खाएंगे। आरोह केव और अभी 11 बजने वाले हैं और
और ये रास्ते में मुझे एक वेज रेस्टोरेंट मिला, तो इधर ही रुका खाने के लिए। वेज थाली खाएंगे और उसके बाद ही निकलेंगे इधर से। आ गया अपना इंडियन वेज थाली, इसमें बहुत वैरायटी वाला सब्जी है, कौन कौन सा है पता नहीं। रोटी, पापड़, राइस, दही है, दाल है, सैलड है, ये वाला है, ये पता नहीं क्या है, चना है, आलू और सीबी का सब्जी है, ग्रीन ग्रीन चटनी है और ये भी चटनी है। तो फिर खाते हैं। बैटरी भी डाउन होने वाला है गोप्रो का, निकलते हैं। यहाँ से मुझे लेना है राइट की तरफ डाउकी, जो कि 59 किलोमीटर है। शिलोंग यहाँ से 22 किलोमीटर। और ये रास्ता जाएगा डाउकी, तो ये वाला रास्ता गया था वो वाला, अभी ये वाला जा रहा हूँ डाउकी के लिए। पर आप जैसे डाउकी एंटर करेंगे तो ये बोट का मालिक लोग बहुत इरिटेट करेंगे आपको। अभी जो आगे जा रहा है ब्लू टी शर्ट में, वाइट स्कूटी में, वो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, बार बार बोल रहा है मेरे साथ आइए बोटिंग करवाएंगे। पता लगता है फ्री में करवाएगा, ऐसे कर रहा है। पहले रूम पे जाना है, थोड़ा फ्रेश होना है, उसके बाद ही बोटिंग वोटिंग करेंगे। बार बार ऐसे घूम के देख रहा है वो। और उस साइड बांग्लादेश से, इसी साइड में इसमें कोई फेंसिंग नहीं है बांग्लादेश बॉर्डर पे। चेक कर रहा है बार बार, और नीचे देख रहा है दाव के ऊपर। ओके, सामने भी पार्किंग है, आगे भी पार्किंग है, सामने में साइड में दाव की है। स्कूबा डाइविंग भी है। टाइम है इतना 2:12 और फाइनली पहुंच गए हम डाउकी। डाउकी डाउकी डाउकी, और इतना ज़्यादा जाम था उधर। पार्किंग, अब एक होम स्टे ढूँढेंगे या होटल ढूँढेंगे, होटल ढूँढ के बैठेंगे, मिलेगा ठंडा ठंडा। इससे ऊपर नहीं जाएगा भाई, यहाँ पर फ्लो बहुत तेज है। यही तक है। लैम्बो का पीछे है किधर,